दोस्तों आज है मेरे पास एक सैमसंग का ईयरफोन जो कि हम इसे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. दोस्तों इसे अनबॉक्सिंग करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। जरूरी बात यह है कि ये जो वीडियो है ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूं, यानी सैमसंग कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं बस इसे अनबॉक्सिंग करके देखूंगा, इसका साउंड सुनूंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं, और इतने बजट में आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा। एकदम जेन्युइन रिव्यू करने वाला हूं, तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आइए, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनबॉक्सिंग काफी सख्ती से करता हूं। दोस्तों इस पैकेट में है ईयरफोन और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, EHS64 और ऊपर में सैमसंग, यानी सैमसंग का ईयरफोन है। और बैक साइड में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है जहां पे ईयरफोन के मॉडल्स वगैरह लिखे हुए हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं। ये देखिए इसमें ईयरफोन, और ये जो है कान में जो लगाते हैं ना नॉइस फिल्टर, वही है। अगर खो जाए तो आप इसे दोबारा लगा सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। ये देखिए ईयरफोन में पहले से नॉइस फिल्टर लगे हुए हैं। ये प्ले पॉज और नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके वायर भी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए मजबूत भी है वैसे। चलिए अब हम इस हेडफोन का साउंड टेस्ट करते हैं कि इसके साउंड क्वालिटी कैसी है। ये सैमसंग का फोन है, ये सैमसंग का फोन है और ये सैमसंग का हेडफोन है, तो दोनों का एक ही साथ, एक ही कंपनी के साथ टेस्ट करते हैं कि कैसा है। ओवरऑल इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काम चलाने के लिए ठीक ठाक है, इसकी जो साउंड है वो ठीक ठाक है। आप इसे परचेस कर सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर मैं जेन्युइन रिव्यू की बात करूं तो सैमसंग के साथ, यानी इस फोन के साथ जो हेडफोन आया था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छा था। वैसे 499 के हिसाब से ये हेडफोन ठीक ठाक है। अगर आप चाहते हैं इसे परचेस करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।